हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जो टाइम हो गया है 8 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। और देखते हैं, सुबह सुबह घर पे बन रहा है नाश्ता और नाश्ते में मैगी बना रही है यसी। और रुत भी है, वो सो चुकी है और बड़े कहने के बाद और मैं इसने डांस कर रहा हूँ, मुझे डांस करने डांस का मन करके कर रहा बता है। दे ऐसे ऐसे। तो मतलब ये ना, जब बात करेगी तो ऐसे हाथों का करेगी, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे कर दिया तो ऐसे करके मतलब बात करेगी जब भी करेगी। तो आज आज ना हम जा रहे हैं गांव में, और गांव में डांस करने जा रहा हाँ हूँ चाचा जी के बच्चे का बर्थडे है तो उसमें जाना है। तो रुतवी तो दूध पी के सो गई है, तो कल वो भी काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, तो उसके भी इंजेक्शन लग गया। तो वही। नहीं है, दूध पी रही है, वो जाग रही है। हाँ, तो ये प्याज और टमाटर काट रही है, तो मैगी बना ले, मैगी खा के नहा पी के चले जाएंगे नहा के धो के, अब धो के भी बोलना पड़ेगा ना। तो मैंने सुबह सुबह जगा, तो मैंने 2 वीडियो शूट भी कर ली है, अब मेरे को वो एडिट भी करनी है। तो ये अपना काम कर ले, मैं अपना एडिटिंग कर लूँ और फिर उसके बाद खा पी के नाश्ता और फिर चलेंगे सीधा गाँव में। तो फाइनली मैगी बन गई है, आप देख सकते हैं मैगी ये खा रही है। तो तुम्हें पता है कि मेरे को तो मैगी मिलने वाली नहीं है क्योंकि बनाई इसने मिल अदर गई और खा के चट करके सैलरी उठ गई। कितने तो नाटक कर रहे हैं, बहुत तेज हो रहे हो हैं। देखो ऐसे ही ये मैगी देखो सारी खा ली इसने मैं और साफ प्रूफ दिखा देखो रही हूँ, रुतवी भी आ गई देखो है, प्रूफ दिखा रही हूँ देखो मैं तो। रुतवी रुतवी देखने आ गई है, रुतवी को सब कुछ पता है। तो चार साल में इसलिए मैगी खाई खाई, बता बता खाई खाई मैगी खाई खाई ना, नहीं खाई, नहीं एक एक कटोरी खाई थी नहीं ना, खाई खाई थी ना। नहीं खाई बेटा, नहीं नहीं खाई। तो रुतवी जा रही है, बोल रही है कि तुम अपना खुद सुलझा लो, मेरे को बीच में मत लाओ, मैं जा रही हूँ। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर लिया। तो इतना भर भर के खाती है, देखो अब आप खुद खा के बैठ गया पहले से ही, हाँ आप खा खुद सोचो, इसका इतना भरा है तो मेरा यार कम दिया होगा, इसलिए जल्दी खत्म हो गई। तो देखो मुंह बना रही है तो ऐसा है कि अभी नहाए धोए तो नहीं, हम नहा धो के निकल रहे हैं गांव के लिए। मैं जा रहा हूँ सीधा नहाने के लिए, चाय पी लूँ, मेरी चाय रखी है तो चाय चाय नसीब हुई है तो उसे तो पी जाऊँ अपनी को। तो चाय पी के जाता हूँ, बाकी के भी ये बटन खुल जाते हैं टी शर्ट के, तो हर समय वो ऐसे वो लगा के, परमानेंट बटन लगवाएंगे ठीक है थोड़ा हाँ तो ऐसे परमानेंट लगा के अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा मतलब नॉर्मल सा रहे, बाकी का पसीना आ जाता है गर्मी में कुछ भी गर्म गर्म खाने में। तो बाकी का नहा के फिर सीधा गांव जाती हैं और आपको दिखाते हैं गांव में क्या क्या होता है बर्थडे पार्टी पर। तो रुतवी मास्क लगा रही है क्योंकि मास्क लगाना ज़रूरी है, कोरोना चल रहा है तो जल्दी से मास्क लगा दो रुतवी के। अरे तो रुतवी ने मास्क लगा लिया, दिखा आप शक्ल दिखा दे, देखो देखो मास्क, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी इधर देखा, देखो 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 मास्क लगा लिया। ओए होए कहाँ पे जा रही है, मास्क निकाल दिया उसने। नहा के हो गया हूँ फ्री और टाइम हो गया है 12 बज चुके हैं, और पीछे आप देख सकते हैं ये मेरी रिंग लाइट है जिस पर साफ़ी लटका दिए सुखाने के लिए, ये यसी के कारनामे हैं, ऐसे कारनामे कोई और नहीं कर सकता। बाकी का किचन में कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, ये क्या बोलते ऐसे, भेलपूरी बन रही है और ये लगी हैं बनाने में, और बाकी का चाय बन रही है। तो थोड़ा सा नाश्ता हो जाए फिर सीधे गांव के लिए निकलेंगे, तो गांव भी जाना है। बाकी का रुतवी शायद अभी भी सो रही है, नहीं अभी सो नहीं रही, अभी दूध पी रही है, तो रुतवी दूध पीने में लगी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं दूध पी रही है। अभी निकलते हैं सीधा गांव के लिए। अभी हम लोग तैयार तो हो चुके हैं, ये भी तैयार हो गई, बस खाना बकने में लगी है। तो इतना देखो थाली भर के खाती है, अगर कोई ये सोचे कि लड़कियां नहीं खाती तो देख लीजिए मुंह में नहीं जा रहा। मैं तो ये बोल रहा हूँ वो चमचा होता है ना उससे खाया करो ना, चम्मच की क्या जरूरत है, देखो साइज देखो कितना भर के खा रही है तो और हाथ 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 और चलते हैं देखो मतलब गले में फंस जाता है इतना खाती है। तो हम सीधा निकल रहे हैं घर पे, तो खाने के चक्कर में तेरे को पंखे का ध्यान ही नहीं है, पंखा भी चलाना है। तो अभी गांव निकल रहे हैं सीधे।
तो अभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं घर पर, और अभी भाभी वगैरह का आना बाकी है, यसी का आना बाकी है। लड़कियों का हमेशा रहता है लेट करना, और देखो रुत्वी कितनी शरारत करती है, इसे आगे बैठा लो और परेशान करके रख देगी। देखो नमस्ते कर दे, तो इनको नमस्ते करके दिखा दे, नमस्ते कर दो, एक कर दो नमस्ते बेटा, नमस्ते कर देगा, जल्दी करके बताओ, नमस्ते करके बताओ। देखिए ये लोग देख रहे हैं तुझे, ये लोग देख रहे हैं। देखो आज पहली बार इसने ये पहना है, वरना लड़कों जैसे कपड़े पहने रहती है। तो बाकी का भाभी भी आ गई है और यसी भी आ गई है, दोनों लोग आ गए। चलो नमस्ते कर दे, टाटा कर दे तो इन लोगों से, टाटा। तो हम लोग अभी निकलने वाले हैं सीधा गांव के लिए, और मौसम अभी सुबह से बारिश जैसा हो रहा है, मतलब बारिश ही हो रही है, छोटी छोटी फुहारें मतलब हो रही हैं, तो गाड़ी भी धीमे धीमे लेके जानी है। और चाचा जी के लड़के का बर्थडे है, तो उसके लिए भी कोई गिफ्ट वगैरह लेके जाएंगे, तो सीधा हम निकल रहे हैं गाँव के लिए। तो फाइनली हम गांव के नजदीक आ गए हैं, और चाची को भी बिठा लाए हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं। तो इनको उल्टी आती है गाड़ी में, इस वजह से मतलब परेशान है। तो अभी घर पहुंचने वाले हैं, बस 2 मिनट का रास्ता और है। तो सभी लोग हो गए अब, भाभी यसी और चाची जी का लड़का, और यहाँ पर रुत्वी, मैं और भैया, सभी लोग हो गए हैं। तो अभी घर के नज़दीक आ गए हैं, गांव के पास आ गए हैं। तो अभी पहुंचते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या प्रोग्राम होता है। तो अभी पूजा पाठ वगैरह हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मोहित भी आ गया है, और मोहित जहाँ पे गया था वहाँ से फाइनली आ गया। अब देखते हैं कहाँ पे पढ़ने के लिए बैठेगा। और ये खा पी के चिन्नामृत, और क्या था चिन्नामृत के साथ, पंजीरी खा के आ गई है। वहाँ पे पंजीरी की कमी पड़ गई है, तो वहाँ से ये भाग आई है, तो वहाँ पे से ढूंढते फिर रहे हैं कि कौन खा गया। मैंने तो खाई थी, हाँ, तो मैंने इसको बचाने के लिए मैंने वहाँ पे बोल दिया कि कुत्ता खा गया है। तो इसलिए मतलब वो लोग फिर अब वो लोग शांत हो गए हैं कि चलो कोई नहीं, अब कुत्ता खा गया तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो ऐसा है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि पंजीरी तो मिली नहीं, तो खाना ही मिल जाए, तो खाना मिलेगा जब, अब इसे दूर रखूंगा क्योंकि खाना बन रहा है वहां पे, फिर क्या बहाना लगाऊंगा, खाना भी कम पड़ गया। तो अब पंजीरी का तो चलो बहाना लगा दो, थोड़ी होती है, तो कुत्ता खा गया, तो ऐसे ही है। बाई चांस ये खाना भी खा गया, खाना कम पड़ा तो मैं कह दूंगा कि सांड खा गया, तो ऐसा है। तो अभी देखते हैं खाना बन जाए तो फिर आपसे मिलेंगे। तो फाइनली गांव से निकल आए, और चाची जी आई नहीं क्योंकि उधर से आई थी तो उनको उल्टी हो रही थी। तो यहाँ पे मोहित आ गया और चाची जी का लड़का था, और रुत्वी सो चुकी है, तो सीधा अब घर पे निकल रहे हैं। काफी ज्यादा खाना खा लिया इसने। तो खाना पीना खा के मम्मी बोल रही थी रुकने की, लेकिन वीडियो वगैरह बनानी होती है, काम बहुत होता है और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, और मेरे फोन में जो वीडियो की क्वालिटी आती है वो खास नहीं आती, जिस वजह से हमें जल्दी निकलना पड़ा। लेकिन अगली बार हम जाएंगे गांव में, तो 24 घंटे गांव में रहेंगे, उसका ब्लॉग बनाएंगे, वो ब्लॉग आप जरूर देखना। तो चलते हैं सीधा गांव में, चलते हैं सीधा आगरा, और वहां पे जाके मिलते हैं। तो फाइनली हम गांव से आ गए, और टाइम हो गया थोड़ा सा, मैंने मतलब कपड़े चेंज कर लिए, और गर्मी तो अब नॉर्मल हो चुकी है, बारिश हो गई है, तो इस वजह से। तो अभी ना आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। वैसे बहुत लोग बोल रहे थे रुक जाओ रात को केक वगैरह कटेगा, लेकिन वो ही दिक्कत, रात भर रुक जाओ, फोन में बैटरी नहीं, चार्जर लेके नहीं गए थे, तो वो इशू। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा लैपटॉप नहीं रखा, क्योंकि मेरा लैपटॉप हो गया है खराब, वो रखा है मेरे फ्रेंड पे, वो ठीक होने के लिए गया है, तो इसलिए। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। ये ब्लॉग देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।